एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि मुझे इतना अच्छा, इतना बड़ा सरप्राइज मिला था जिसके बाद मेरा दिल एकदम से खुश हो गया, क्योंकि मेरा बर्थडे ऐसे पहली बार सेलिब्रेट हुआ है। और ये जो था ये इनका था, ये मेरा और पतिदेव का। ये सब मुझे पता भी नहीं चला कि इतना बड़ा सरप्राइज इन लोगों ने प्लान भी कर लिया। मतलब मेरे बच्चे बड़े हो गए, बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, आगे निश्चिंत हो गए हम लोग हमारे बच्चों से। तो इसी के साथ में जो गिफ्ट हमें मिले हैं, तो वो हम आपके साथ में अभी इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं तो ब्लॉग थोड़ा बड़ा ना हो जाए। तो गाइस, सबसे पहले खोलती हूं मैं वाला गिफ्ट, जो कि है मीनाक्षी दीदी की तरफ से। तो हम कैंची भी लेके नहीं बैठते। अच्छा, पहले मैं बैठती हूँ। तो पहला गिफ्ट खुलता हुआ, अरे वाह, पर्स आया है। बहुत प्यारा, हमारे पास जितने भी पर्स हैं उनको कमी लगती है। हम सब उसमें सब में सामान रख लेते हैं, क्योंकि हर जगह अलग अलग टाइप का पर्स लेके जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली पर्स का कलेक्शन रखना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मेरे पास बहुत सारे पर्स हैं। और एक बार अगर जैसे मैं कहीं बाहर गई हूँ उसको लेकर गई हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी बार कोई दूसरा होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच मीनाक्षी दीदी, आपने इतना प्यारा पर्स मुझे दिया, बिल्कुल यूजफुल। ये तो बाद में, ये बिन नाम वाले, बिन नाम वाले बाद में, बिन नाम वाले समझ गए होंगे। चौधरी, ये अभिषेक की तरफ से, अभिषेक दीपिका है ना। हाँ, ये है कुछ, हाँ, केची 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 केची, हाथ देख के संभाल के, बस एक और होगा साइड से। इधर भी कितने प्यार से दीदी हमारी गिफ्ट खोलती है। अरे वाह, गणेश जी आए हमारे घर में, रिद्धि सिद्धि आई है हमारे घर में। जय गणपति बाबा, अभी गणेश जी भी आ ही रहे हैं, गणेश जी आने वाले हैं वैसे भी। तो इसको हम रखते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच अभिषेक, आ गया टाइम निकाल के, यही मेरे लिए बहुत बड़ी। ये अपन बाद में खोलेंगे, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसको बाद में खोलें। तो फिर ये वाला कौन सा है? नाम नाम ये चाची जी ने दिया है ना, सपना चाची ने। अच्छा, तो हमारा तीसरा गिफ्ट ओपन होता है वो आप देख रहे हैं। सपना चाची ने इसको भी गिफ्ट दिया है। हाँ, मतलब दीदी के बर्थडे पे मुझे भी गिफ्ट मिले, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। अंदर नाम लिखा हुआ है, वाह, वो साड़ी बहुत सुंदर सी साड़ी दी है, बहुत सुंदर पिंक कलर की साड़ी है। बहुत ही प्यारी हैंडलूम वर्क टाइप की साड़ी है, जैसी दीदी को पसंद है। मुझे ऐसी ही साड़ियाँ पसंद है, और कलर भी बहुत प्यारा दिया हुआ है, बहुत सुंदर साड़ी है चाची। थैंक यू सो मच, आप आए हमारे लिए, इतना इतना ही समय निकाल कर आए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब कौन सा गिफ्ट खोलूं? ज्यादा खोलूं? वेट, एक गिफ्ट और है जो हमने इसमें शामिल नहीं किया, पर उसके लिए एक शर्त है, आंख बंद करनी पड़ेगी। आंख बंद करो तो सरप्राइज मिलेगा, कुछ ऐसे सरप्राइज भी होना चाहिए ना जो बर्थडे के बाद तक मिलते रहे। अच्छा, हाँ, आंखें बंद करो, खुलना नहीं चाहिए, प्रॉमिस किया है। सो अब आप आंखें खोल सकती हो। सो गाइस, ये है नेहा दीदी की ससुराल से आया हुआ पहला गिफ्ट, जो हमारे जीजू जी ने दीदी के लिए बड़े ही प्यार से किसी के हाथों भिजवाया है। तो क्या आप इसे देखना चाहेंगे? खुशी बता रही होगी आपको, बहुत ही सुंदर तरीके से जीजू ने इसको पैक वैक करा के, बहुत सुंदर, एक डलिया वलिया है अंदर, हम आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं। तो दीदी करेंगे इसको ओपन, थोड़ा सा अंदर ओपन करो। अच्छा, आप थोड़ा सा ओपन करो, हेल्प मैं भी करूँगी। तो मैं आपको सारे गिफ्ट एक एक करके दिखाऊंगी। खोलो इसको, तो हमारा प्यारा सा गिफ्ट ओपन हो चुका है। थोड़ा सा कैमरा फोकस किया जाए, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत प्यारी सी डलिया है जिसे पूरा नेट से कवर किया हुआ है, और इसमें गिफ्ट है। चलो पहले मैं दीदी के गिफ्ट दिखा देती हूँ, इसमें बहुत सारे गिफ्ट है, वो भी बताऊंगी। तो पहला जो गिफ्ट है दीदी, ये आप खोलो इसको बड़े प्यार से। थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाओ यार।
तो आप लोग भी एक्साइटेड होंगे इसमें क्या है। गाइस टाइटन रागा की वॉच आई है दीदी के लिए उनके ससुराल से। अब इसको हम ओपन करके दिखाते हैं। ओपन ओपन ओपन, पहले मैं देख लेती हूँ फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए कितनी सुंदर, बहुत ही सुंदर सी ये घड़ी है। दीदी आप इसे हाथ पे लगा के दिखाओ। थोड़ा गर्मी ज्यादा है यहाँ पे क्योंकि हमने फैन बंद कर रखा है क्योंकि उसके कारण आवाज नहीं आती है। देखिए गाइस कितनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर। आपको कैसी लगी ये तो बता दो। बहुत शानदार, बहुत ही प्यारी। थैंक यू जीजू, इतना प्यारा गिफ्ट दीदी को दिया है। अब दीदी आपका और अच्छा समय आने वाला है। चलिए अब दूसरा गिफ्ट ओपन करिए दीदी, ये वाला। अब ये गिफ्ट में, ये गिफ्ट क्या है यार, देखें हम भी टंटंग ज़ूम करके आपको दिखाता हूं मैं। वाओ इसमें बहुत ही प्यारे से, देखो ओ भाई साहब, इयररिंग्स है और इसके नीचे कुछ कार्ड भी है, हम वो भी देख लेते हैं। गोल्ड के हैं। गाइस ये सिर्फ गोल्ड के ही नहीं है, डायमंड के इयररिंग्स आए हैं दीदी के लिए। इसमें उसका कार्ड भी दिया है जीजू ने, किसन ब्रांड के। वाओ जीजू लव दिस इयररिंग्स, बहुत ही सुंदर। दीदी इसे जल्दी पहन के आपको दिखाएंगी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है, दिल खुश हो गया। और इसमें ये जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे गिफ्ट है ना, ये ना मेरे और मेरे पति देव जीजू ने सिर्फ दीदी के बारे में ही नहीं सोचा है, भैया भाभी के लिए भी सोचा है। और ये जो चॉकलेट्स है वो ताशु के लिए भेजी है। ताशी की स्माइल दिखा दी जाए, थैंक यू बोलो। तो ये भी दीदी खोलेंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे कल ही इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, ये जो रेड वाला गिफ्ट है ये मेरा है, ये जो ब्लू वाला गिफ्ट है वो पति देव का, और जो बॉक्स स्क्वायर शेप है वो नेहा दी का है। तो पतिदेव को भी घड़ी मिली है, मतलब सबके दिन अच्छे होंगे। वाओ बहुत ही प्यारी पतिदेव की वॉच है, पास से दिखाते हैं। एक सेकेंड, एक पीटर इंग्लैंड की। वाओ थैंक यू जीजू इतना सारा प्यार भेजने के लिए भर भर के। अब मैं मेरा भी खोलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चल इसको तो मैं ही खोल देती हूँ, आधा तो खोल ही चुकी हूँ। ये वैसे लग रहा है ना। अरे वाओ मुझे भी सोनाटा की वॉच आई है। तो जैसे मैंने आपको बोला ना जीजू, अब सबका टाइम, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ज्यादा ही सुंदर है। मुझे गोल्डन कलर की वॉच वैसे भी चाहिए थी काफी टाइम से, और बहुत ही अच्छी वॉच है, बहुत ही प्यारी सी एकदम, मैं सब पे पहन सकती हूँ। कितना प्यारा है उसका, बहुत ही सुंदर जीजू। थैंक यू सो मच, सबको इतना सारा प्यारा प्यारा भर भर के गिफ्ट दिया। और ताशी के चॉकलेट्स बहुत पसंद है ताशी को, ताशी को पसंद है, ताशी के मामा भी खाएंगे। ठीक है ताशी, अभी अरे देखो गाइस, अरे थैंक आप, हाथ एक एक करके खाएंगे ना, आटा बाटी करके। थैंक यू सो मच जीजू इतना प्रिटी गिफ्ट देने के लिए, और शब्द नहीं है, बस मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं है। दीदी इन्हें जरूर पहनेंगी और जल्दी आपके साथ हम इसकी फोटो भी शेयर करेंगे, है ना दीदी। सो गाइज अब हम नेक्स्ट गिफ्ट की ओर चलते हैं। गर्मी थोड़ी ज्यादा है, हम पंखा चला लेंगे 2 मिनट। हाँ चला के फिर थोड़ी देर से पहले तो फूल, ताजा फूल। अब ताशी हमें चॉकलेट काट देगी। अरे वाह मेरे को उसका निकाल दिया, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खा के आ रहा है, कॉफी वॉफी। तो हम अपने अगले उपहार की तरफ बढ़ते हैं। मुस्कान निगम,
जो हमारे लिए केक बनाती है ना मम्मी, हर हर हमारा कोई भी ओकेशन होता है हम केक बहुत अच्छा बनाते हैं। कल भी केक बहुत, कल का केक बहुत टेस्टी था, उन्होंने भी पर्स मलाई केक। तो दीदी के पास जितना पर्स आ रहा दीदी इतने इतना पैसा रखेंगी, पैसे वाली दीदी हमारी। बहुत ही सुंदर पर्स यार, लड़कियों के लिए ऐसी चीजें अच्छी होती हैं। और मुझे पता नहीं क्यों लेकिन मुझे पर्स का कलेक्शन रखना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत। तो मेरे पास अलग अलग टाइप के हर तरीके के पर्स होना चाहिए। कलर बहुत अच्छा, आप इतना टेस्टी केक हमारे लिए हर बार और यूनिक डिजाइन में भेजते हो। हर बार हमारे यहाँ कुछ ना कुछ अलग 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 केक ही होता है, तो वो हमेशा वही बनाकर भेजते हैं। तो थैंक यू सो मच। अब मैं कौन सा गिफ्ट खोलूँ? ये खोलूँ? हाँ, ये हमारी अलका दीदी ने दिया है, जिनके पास मेरा बचपन बीता है। मैं उन्हीं के साथ में ज्यादा रही हूँ, अलका दीदी के साथ में, जब मैं इटारसी में थी। और एक बहुत अच्छा बॉन्ड मेरा उनके साथ में है और उनकी बेटियों के साथ में है। अरे वाह, पायल दी है, बहुत सुंदर सी, बहुत सुंदर पायल है यार, अच्छी लग रही है ना। डिजाइन आप देख ही सकते हैं दीदी, इसको पहनेंगी तो बहुत अच्छी लगेगी, कुछ यूनिक है ना, बहुत सुंदर। हम शूट करते हैं ना, शूट के टाइम पे अगर हम इसको वेयर करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगी। बहुत अच्छा, थैंक यू अलका दीदी। अलका दीदी के दो गिफ्ट थे, मुझे ऐसा क्यों ध्यान आ रहा है, एक वो था ना फ्लावर। हाँ दो थे मैंने, हाँ एक बुके लाए थे बुके। तो थैंक यू सो मच अलका दीदी, आपने बहुत सुंदर गिफ्ट दिया है। और बस आपके, आपका नाम आता है कुछ कुछ, मेरे को याद आने लगता है इटारसी का। नेक्स्ट गिफ्ट है हमारा रश्मि यादव। रश्मि यादव, ये कौन है? वो रे आई थी जो, अच्छा अच्छा अच्छा, सिटी से, हाँ, जिन्होंने कान्हा जी दिए थे, है ना, बहुत ही सुंदर, इतने बड़े। जिन्होंने कान्हा जी दिए थे उनका गिफ्ट है ये। अरे वाह, दीदी को वॉच मिली है, दीदी को पांच ट्रैक की वॉच है, बहुत ही प्यारी डिजिटल वॉच है। यहाँ पे लगता है मेरे समय में कुछ बदलाव आने वाला है, इसलिए मुझे इतनी सारी घड़ियां मिल रही हैं। समय परिवर्तन आने वाला है, तो हम इसको खोलते हैं, कोशिश। डिजिटल वॉच आई थिंक सो ना। अब दीदी के पास ऐसा कोई भी वॉच नहीं है ना जो नहीं हो, सारे रोलेक्स कलेक्शन रखे हैं, सारे कलेक्शन, रोलेक्स। वाह, और मुझे जैसा डायल चाहिए था वैसे ही डायल है। मुझे ऐसा ही डायल चाहिए था, ये फास्ट ट्रैक की वॉच है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। चार्जर वगैरह इसमें सब कुछ दिया हुआ है, एक बार मैं आपको अच्छे से खोल के दिखा रही हूं। दीदी को बहुत टाइम से मन था डिजिटल वॉच का, मुझे ऐसा ही वाला कुछ चाहिए था, कि ऐसा ही कलेक्शन। कल ही दीदी बोल रही थी इसका डायल नहीं चल रहा, जब इसको ऑपरेट करेंगे तब आपको दिखाएंगे, आप दोनों पहन सकते हैं। तो गाइस ये हो गया मेरी वॉच, नहीं ये तो मुद्दल हाउस के हैं, येलो वाले, वो येलो बोल रही, ब्लू वाले, उनने कुछ अपना अलग ही पैटर्न निकाला हुआ है। सुधीर दुबे, ये है मामा जी। आप पहनोगे? पापा कैसा कर रहे हैं इशारों में, बातें चल रही है हमारे घर में आजकल, देख रहे हो? ये हमारी मीनाक्षी दीदी, नहीं मामा जी, मामा जी के यहाँ से आया है, मामा जी ने दिया है ये, जो की है बहुत प्यारी यूटी। दीदी दीदी आपके भाई का रिएक्शन लेना चाहिए, मार दूंगी, रिएक्ट देना जरा, अपने खुद का रिएक्शन देना। मत कर चीनू, मत कर, सेंटीमीटर दिखाओ पहले, सेंटीमीटर दिखाओ उसका मेरे को। गाइस हमारे अगर बेडशीट आती तो मेरे पति मेरे कोलैबोरेशन के बेडशीट भी ये लेके चला जाता अपने पास, एक ही बार में बहुत ज्यादा ही पसंद है। एक सेकंड गाइस मैं देखता हूं मेरी बेडशीट है ना, मैं इसका सेंटीमीटर देखता हूं, एक सेकंड गाइस पकड़ो जरा, रिकॉर्ड करो मेरे को जरा, सेंटीमीटर पकड़ो। आ गया 2.54 into 24, नहीं यार
दिल दुख गया थोड़ा। ढाई बाय ढाई की यार नहीं आया मेरे को, मेरा तो किंग साइज का है। यहाँ पर देखो जरा हमारे बाकी लोग कैसे खड़े हैं, आप ये देख सकते हैं गर्मी की वजह से। हमने इन दोनों को औरत को बोला था कि चलो ऊपर एसी बढ़ाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा ही बचा हुआ है। थैंक यू सो मच मामा जी, बहुत ही यूजफुल और अच्छा हुआ आपने वो सेंटीमीटर नहीं भेजा जिस सेंटीमीटर का चीनू वेट कर रहा था। अच्छा हुआ। ये ताशी की मैम, ताशी की मैम उनके यहाँ से दो गिफ्ट आए और मैम हमेशा दो गिफ्ट लेके आती है। हाँ। मुझे उसका रीजन नहीं पता बट वो हमेशा दो गिफ्ट लेके आती है और हमेशा टाइम पर भी आती है, इतना सारा प्यार भी देती है, हमेशा हमारी पार्टी को एंजॉय भी करती है। लाओ सेंटीमीटर दिखाओ मेरे को दो चिंकी दी मेरे को यहाँ चलो पकड़ो। अरे यार गिफ्ट खोलने भी नहीं दे रहे। तो गाइस ये उस सेंटीमीटर की ना हो जो सेंटीमीटर को भी ये वाली है। ओह या ये बहुत सुंदर है दीदी, दिखा दो। ताशु कैसे हंस रहा है मेरा, क्या बोलते हैं अपना 3D वाला नहीं, जो माइक्रो फाइबर कपड़ा होता है ना ठंडे में बिछाने वाला, वो है। बहुत ही दो दो बेडशीट हो गई मेरे पास। उनका एक और गिफ्ट है। हाँ, ये एक और दीदी का तो ये काम नहीं आएगा मम्मी। अपने काम का है। बड़ी मम्मी के काम की चीज आ गई। इसमें हम चाय भरेंगे और ये इतने प्यारे कप बाहर से इतने सुंदर लग रहे हैं यार। अरे उल्टा खोल दिया, किधर गया वो, पीछे गया। वाओ मम्मा दीदी, और कलर तो देखो कप्स के कितने प्यारे मम्मी। अलग वाओ मैम, आप हमेशा बहुत यूनिक गिफ्ट देते हो। पिछली बार प्रेशर कुकर दिया था ना। हाँ, मम्मा को प्रेशर कुकर। मम्मी अब आप मेरे को इसमें चाय दे सकती हो और मैं इसको ढक के, आप ऊपर मेरे पास केतली लेके आ सकती हो। मैं कभी कभी मम्मी मेरे पास सुबह चाय देने के लिए आती है ना, तो मैं उनको ऐसे बैठा लेती हूँ, फिर बात करने लगते तो मेरी चाय ठंडी हो जाती है। तो मम्मी आप केतली लेके आ सकती हो। मम्मी आप केतली लेके दोनों कमरे में आ जाओ, ठीक है। इसकी खुशी दीदी को तो नहीं है, मम्मी और मुझे बहुत ज्यादा है। मेरे को सबसे प्यारा सबसे प्यारा उसको कप लगे थे, अलग अलग प्रकार के साइज से। मैम बहुत करते हो आप, थैंक यू सो मच। आप ना बहुत एक्सपेंसिव अलग चीजें देते हो, मतलब बहुत। सो गाइस अभी हम यहां पर, जब भी मैम आती है ना तो ऐसा नहीं है कि बस आए और चले गए, वो हमेशा पूरे फंक्शन को एंजॉय करने के बाद में बहुत सारी ब्लेसिंग्स देके जाते हैं। तो हमको पंपा का थोड़ा सा फिर इंटरवल ले रहे हैं, फिर आपसे मिलते हैं ना जल्दी मुद्गल हाउस के इसके साथ गिफ्ट के साथ। सो गाइस हमारा ब्रेक हुआ होगा, ताची ने टॉपिक की पूरी पन्नी खोल के खत्म कर दी हमारी। सपना चाची ने एक और गिफ्ट दिया है जो कि शुभ का है, वो गोद भराई में नहीं आ पाई थी। शुभ को जबरदस्ती गिफ्ट मिल रहा है ना शुभ, तो ऐसे कहां से बर्थडे किसी का भी हो गिफ्ट आना चाहिए। गिफ्ट आने का कॉटन की साड़ी है, बहुत सुंदर है। बहुत चाची जी ने दोनों ही साड़ी बहुत अच्छी दी है, बहुत प्यारा कलर है सच में। इसका ब्लाउज रॉयल लुक टाइप का, रॉयल लुक टाइप का सच में। थैंक यू सो मच चाची जी, बर्थडे किसी का भी हो गिफ्ट सबको मिलना चाहिए। अच्छा इसमें चूड़ी डली है। अच्छा चूड़ी, हाँ चूड़ी। थैंक यू चाची जी। और अब हम खुलेंगे ये वाला, ये खुशबू दीदी का है जो कि मेरे मामा जी की बेटी, उनको इतना अर्जेंट बुलाया ना हमने, तो उन्होंने ये साड़ी और साथ में ये कड़े लेकर दी है कि बेटा जितना अभी मैं अचानक से आई हूँ तो इस चक्कर में उन्होंने जल्दबाजी में गिफ्ट जैसे भी हुआ लाकर दिया। लेकिन आप आए यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इतना समय निकाल कर, क्योंकि जीजू के पास टाइम नहीं होता है और उनकी बेटी भी पढ़ाई के चक्कर में कहीं निकल नहीं पाती है वो, तो आप आए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ऐसे ही आते रहिए। अब ये हमारे आगे गुमनाम। वाह, जिस कभी जिंदगी में इसमें नाम नहीं लिखा होता है। देखो आराम से
बड़ी आई कल मटा करी थी उस दिन, मेरे को भी मिला है। दीदी को सूट मिले हैं दीदी के ही साइज का, एकदम साइज का सूट मिला है मेरे को, मेरा साइज अंशुल का साइज सेम ही है। तो बहुत सुंदर है और इसको मैं जरूर से कोलाब्रेशन के जितने भी कपड़े आ जाए, एक शुभांगी दीदी की तरफ से और एक मम्मी की तरफ से, ये जरूर बोल के गए थे मुझे। अच्छा। तो अब ये मुझे नहीं पता ये कौन सा किसकी तरफ से है, दोनों मुगलों की तरफ से है ना, गुमनाम वाले। जिसको मैं जल्दी वियर करके आप लोगों के सामने आने वाली हूँ। थैंक यू सो मच शुभांगी, तुम आ जाती हो, आप क्या मुझसे छोटी है ना, आ जाती हो, इंदौर से आती है ना, इंदौर ही पड़ता है, सोनकच्छ, हाँ वही इंदौर के आसपास ही, तो वहाँ से आई बेचारी, और बाकी लोग भोपाल से, बाकी लोग भोपाल से, और समय पे आए, ऐसे समय पे भी वो नीचे मेरे को खड़े हुए मिल गए थे। सबके सब नीचे खड़े हुए थे और मैं वही जिन्हों से पूछ रही, मैंने कहा तूने डिनर पे सबको बुलाया है, ऐसे पूछ रही थी मैं। तो चलो हम करेंगे गोल्ड सिल्वर की अनबॉक्सिंग फटाक से, क्योंकि गर्मी बहुत है। ये मोना ने दिए है ना, हाँ मोना ने, मोना का सामान तो दिखाया ही नहीं एक मिनट, ये मोना दीदी ने बहुत प्यारी सी बिछिया, आपको दिखा देती हूँ। मोना जो मेरा हमेशा मेकअप करने के लिए आती है, और ये चूड़ा उसने दिया हुआ है, पूरा प्लेट में सजाकर सुहाग का सामान दिया हुआ है। ये दीदी जल्दी हमें आपको ऐसे रूप में देखना चाहती हूँ बोल के। तो ये सारा सामान मोना देकर गई है, जूम करके दिखा दो नीचे, ये देखो ये क्या है, क्या? ये रोली चंदन है, हाँ, ये रोली हल्दी रोली है, और ये इसकी सिंदूर की डिब्बी है कुमकुम की, और ये नेल पेंट है, ये बिंदी है, ये मेहंदी है, ये बिछिया है, और ये पूरा सेट, ये महावर है, और चूड़ी का सेट दिया हुआ है। कि मैं जल्दी आपको इस रूप में देखना चाहती हूँ, इसमें क्या बोलूँ मैं, कुछ निःशब्द हूँ इसको बोलने के लिए। थैंक यू सो मच मोना, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ में अब नीतू दीदी का गिफ्ट, वाओ ब्रेसलेट नीतू दीदी, यार मेरे अप्पू मोटे यार, तुम हमेशा अलग देती हो, कुछ यूनिक ही देना होता है तुमको भी दीदी, देना होता है बहुत प्यार है। सिर्फ नीतू दीदी नहीं, मेरे निक्की भैया भी, हाँ जीजू, मैं इसे बोल रहे थे सुबह यार मेरा तेरा सामान नहीं आया, सामान लाना भूल गया हूँ, बेर वेर ये वो, मैंने कोई बात नहीं जीजू, अभी अपन फिर से मिलेंगे ना, अभी राखी कहाँ बांधी है दीदी ने, अभी आएंगी ना वो। ये देखिए गाइस इधर पास से हम दिखाते हैं, बहुत ही प्यारा सा दीदी के हाथ डिजाइन है, और आ भी जाएगा आपको, पूरा आ जाएगा। मम्मी इसको पहनी दूंगी, उतारूंगी नहीं, पहना दे मेरे को, कौन से वाले हाथ में पहनाऊं, इसमें इसमें तो वो है ना, इसमें पहना दे, लेफ्ट में पहनते ना, नहीं 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 राइट में पहनेंगे ना, लेफ्ट लेफ्ट में तो वो है पेन घड़ी पहनेंगे ना, अरे राइट में घड़ी है पहनती, ठीक ठीक राइट, तो मैं यहां आप कोशिश कर रही हूं पहनाते हुए, सिंपल है। और ये दीदी मैंने आपका गिफ्ट पहन लिया, अब मैं इसको ऐसे ही पहने रहूंगी क्योंकि बहुत सुंदर है, बिल्कुल मेरी फिटिंग का लेकर आए हो दीदी, थैंक यू सो मच। भैया भैया इस बार आए, पिछली बार नहीं आ पाए थे क्योंकि वो दिन में फंक्शन था, और नीतू दीदी के लिए क्या ही बोलना, उनके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है, इसलिए हम नहीं बोलेंगे निशब्द हैं हम फिर से। नीतू दीदी टाइम पर नहीं आई थी ना, नहीं आई, थोड़ा लेट थी। और ये मेरी चाची जी ने दिया है, हाँ। ओह वाओ डिजाइन तो देख पायल की, शुभ पायल की डिजाइन देख, वाओ बिल्कुल चाची ने अभी के जमाने की लड़कियों वाली डिजाइन दी, एकदम प्लेन। मम्मी कितनी सुंदर, देखो कितनी सुंदर पायल है, ये वाली चाची को मैंने बोला भी था इसकी क्या जरूरत है, लेकिन चाची इसको दीदी को मैं जरूर पहनाऊंगी, और बहुत जल्द पहनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी, इसको आप रेगुलर भी पहन सकते हो, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर है, पहन लूंगी इसको मैं। चाची आपका गिफ्ट, चाची का प्यार अलग ही है दीदी के लिए, गिफ्ट दे के रो रही थी चाची, ये बिछिया तेरे को मिली है, हाँ दीदी ने तेरे को दी है, गोधर है मैं नहीं आई थी, बोली छोटा सा तेरे लिए कुछ लेके आई हूँ, तो ये बहुत सुंदर बड़ी रजवाड़ी पैटर्न की, एक बार मैंने उससे बोला था इसलिए उसको याद है, ये रियल चांदी है, रियल चांदी एकदम तो, हाँ सॉफ्ट होती है रियल चांदी, कितनी अच्छी लग रही है, गड़ेगी भी नहीं आपको,
क्यों रे, क्यों चाची क्यों लेके आई ये? हाँ एक तो डिजाइन तो किसके किसकी पसंद है? पापा मम्मी दोनों गए थे वो परसों जो अपन को मिले थे वो यही काम करने गए थे क्या? अच्छा सुंदर पाया ले आ, और मम्मी देखो कितनी सुंदर लग रही है। हाँ ना मम्मी क्या ललित लग रही है ना, चुभना ना कुछ, कितनी अच्छी यार। सो गाइस एकदम लास्ट में बचा हुआ है हमारी भाभी जी का गिफ्ट, भाभी जी घर पर है का गिफ्ट, भैया भाभी की तरफ से, मेरे भैया की तरफ से। ओ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, लाकर दिया है मेरे को गणेश जी मेरी बरकत के लिए। तो ये अभी मैं पहन के आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। आपको पसंद आया ना? बहुत मुझे आया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दीदी को इनकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब हमारे घर में शुभ काम होंगे, दीदी के पास खूब सारी रिद्धि सिद्धि है। यही दुआ और आशा है मेरी, दीदी जीवन में जो चाहती उन्हें सब मिले, और बस गणपति बाबा मेरी दीदी का ध्यान रखना। पहन लेती हूं। तो हम इसे पहन के दिखाते हैं। अच्छी पिक कर लग रहा था यार दीदी पहनेंगी कि नहीं? क्यों नहीं पहनूंगी, ऐसा क्यों लग रहा था तुझे? अभी तो मैंने इसको टाइट कर दिया है, और इसको मम्मी पापा से भी टाइट करा लेना, वैसे टाइट अच्छा कर दे। सो कैसे देखे कैसा लग रहा है? बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर लग रहा ना, है ना छोटा सा। तो ये था हमारे भाभी जी और भैया जी का गिफ्ट। ये सारे गिफ्ट आपको कैसे लगे और सबसे अच्छा गिफ्ट क्या लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। इसी के साथ में, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसी के साथ में हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने घर रहकर मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा आशीर्वाद दिया मेरे बड़ों ने, उनको हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया, और आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा गाइस। बाय बाय।